जयपुर में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के द्वारकापुरी में एक युवक कुएं में गिर गया है। दरअसल ये चांदनी का रहने वाला है, नेपा नगर का रहने वाला है। ये बसाड़ स्थित बीटी मिल में काम करता है। यहीं पर ही सुपरवाइजर है राम त्रिपाठी। वो ड्यूटी से हटाकर उनको अपने निवास पे लेकर आए थे। निवास है उनका द्वारकापुरी में, और यहाँ पे वो घर के पीछे साफ सफाई करवा रहे थे। इस दौरान वो पीछे जाने के दौरान एक कुएं में वो गिर गए, हादसे का शिकार हो गए। चार लोग बुलाए थे, चार मजदूर बुलाए थे इस बीटी मिल से, जिसमें से ये आगे आगे चल रहे थे और पीछे तीन लोग थे। आगे ये जैसी झाड़ी काटते काटते सीधे कुएं में जा गिरे, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पिछले चार घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे होमगार्ड कमांडेंट मीनाक्षी सिंह भी है, लालबाग थाना TI अमित सिंह जादौन भी है, पुलिस बल भी है यहाँ पे। फिलहाल कुआ 130 फीट गहरा है और इसमें पानी भरा हुआ है 20 फीट तक। इसको मोटर के द्वारा निकाला जा रहा है। इस पूरे मामले में राम त्रिपाठी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, होमगार्ड कमांडेंट ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर वो बीटी मिल का कर्मचारी तो वो निजी काम करने क्यों आया, और अगर वो आया तो उसको बताया जाना चाहता कि यहाँ पे कुआ है, सतर्कता से रहे, सावधानी से रहे, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गया। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा दोनों ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखें तो फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये दिवाली की सफाई के लिए वो मजदूर आते ही हर बार, और रेगुलर जो एक मजदूर आता था घर में, चूंकि अजगर निकला था करीब करीब 6-8 महीने पहले, तो पीछे झाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं। वो झाड़ियाँ होने से घर के पास की साफ सफाई के लिए मजदूर बुलाए थे दिवाली के लिए। तो अब मैं उसको पीछे काम बताने गया, अब वो अपना पीछे आ रहा था, तो पीछे किधर से आ रहा था ये मेरी जानकारी में नहीं था। वो रेगुलर आते ही हर साल आता है, अपना 200-250-300 रुपये घंटे, आधे घंटे जो भी उसको लगता है वो अपना ले करके सफाई करके चला जाता है। तो वो मैं पीछे खड़ा हूँ कि वो आ रहा है, और जब तक फिर इधर से दौड़ के उसका एक साथी आया, बोले भैया वो वहाँ पे कुएं में गिर गया। तो फिर मैं इधर दौड़ के आए, फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन किया, उसके बाद 108 को फ़ोन किया, और हम लोगों ने कॉलोनी वालों ने मिल के सब लोगों ने जो भी सफाई करके और जो अपने से भरसक प्रयास होता था वो अपने ट्राई किया। इसमें ये बसाड़ स्थित बीटी मिल का कर्मचारी था, वो यहाँ निजी निवास पे कैसे आया? नहीं, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जनरली जब आदमी छुट्टी हो जाती है, और चूंकि वो पेड़ काटने का काम ही करता है, छटाई वटाई का, और पिछले 7-8 सालों से आते ही है, तो जब भी खाली रहा तो मैं उसको ले आता हूँ, और उसके एवज में वो 200-300 जो उसका चार्ज रहा वो अपना ले लेता है, और ये जनरली दिवाली के आसपास ही अपन उसको बुलाते हैं। तो उसके परिजन को सूचना दी गई? हाँ, वो उसका चूंकि मोबाइल बंद था। क्या नाम है इसका, तो सुधाकर रहने वाला? ये सुधाकर नाम है, ये चांदनी का रहने वाला है। मतलब वो बसाड़ की जो बीटी कंपनी है उसमें अभी सुबह 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया? वो मुझे रास्ते में खड़ा दिखा, तो मैंने उसको बोला कि यार तू घर चला जा, मैं आता हूँ, तो मैं तेरे को पीछे जो तूने पिछले साल भी इसके पहले रेगुलर करता ही है, तो उसको खाली ये बोलना रहता है पीछे सफाई कर देना। बीटी मिल में क्या करते हैं? मैं वहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। बीटी मिल किसकी है? वो पोदार जी की है। आपका नाम? राम त्रिपाठी। कितने सालों से था बीटी मिल में? बीटी मिल का तो मेरे को आइडिया नहीं, मेरे पास जरूर उसको जब भी मौका लगा, चूंकि चांदनी में था, तो चांदनी में उसके घर भी जाके कभी भी उठा के ले आते थे, या कभी ऐसा कहीं रस्ते में टकरा जाए तो उसको उठा के ले आते थे। अभी सुबह हमें 11 बजे सूचना मिली थी कि द्वारकापुरी क्षेत्र में एक जो कुआं है वहां पर कोई व्यक्ति गिर गया है, तो इस सूचना पर हमने टीम को भेजा है। टीम में से एक लड़का हमारा उतरा था कुएं में, तो कुएं में पानी अधिक है और नीचे उसमें कीचड़ भी है जिसमें शायद बॉडी फंसी है, तो अभी हमने पंप से पानी को निकाल रहे हैं बाहर, और उसके बाद पानी निकलने के बाद हम फिर से प्रयास करेंगे बॉडी को निकालने का। मैम कितना गहरा कुआं है ये? कुआं समथिंग 130 फीट गहरा है और इसमें पानी भी है, तो वो मोटर उतारी है हमने। ये व्यक्ति जो गिरा कैसे गिरा, क्या काम कर रहा था? जैसा लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया है कि वो झाड़ी वगैरह काटने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे, चार लोग थे, और उसी दौरान कुएं में झाड़ियों से कुआं दिख नहीं पाया, जिससे ये हादसा हुआ। मीनाक्षी चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।